हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के सेकंड पेपर में हम एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। इसी पेपर के बी सेक्शन में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम टेस्टिस अथवा वृषण का अध्ययन करेंगे, जो कि नर में मुख्य जननांग के रूप में होते हैं। इनका कार्य न सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन करना है, अर्थात स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करना है, परंतु ये एक मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि नर में एक मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी उपस्थित होती हैं, जो कि मुख्यतः नर हॉर्मोन्स का स्रवण करते हैं। अगर हम स्थिति और संरचना देखें तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पेल्विक कैविटी में एक विशेष कोश में या पाउच में उपस्थित होते हैं, जिसे स्क्रॉटम कहते हैं। और यहाँ उपस्थित होने का मुख्य कारण यह होता है कि स्पर्म का जो निर्माण होता है या प्रोडक्शन होता है, वह जो बॉडी टेम्परेचर है उससे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, या इतना कम जो सामान्य देह या बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणु निर्माण होता है। अतः ये एक वाइट फाइब्रस टिश्यू जो होता है उससे बने हुए कोश के अंदर उपस्थित होते हैं। मुख्य जो देह गुहा होती है उससे ये एक कॉर्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तथा इस कॉर्ड में इसके साथ साथ इनको नर्व्स और ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई रहती है। अब यहाँ से जो टेस्टिस होती है, यहाँ से जो वाहिनी स्पर्म को लेकर यूरेथ्रा तक आती है उसे वास डिफरेंस कहा जाता है, तथा यूरेथ्रा पैसेज होता है जिसके द्वारा कि इनको बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो ये संरचना होती है जिसे कि हम फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि टेस्टिस का अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या कार्य होता है और कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन के अतिरिक्त जो दूसरा कार्य या महत्वपूर्ण कार्य है वह होता है हार्मोन्स का स्रवण। तो जो मुख्य हार्मोन स्रवित किए जाते हैं वो 4 होते हैं, जिनमें से लीडिंग सेल्स जो होती हैं, मुख्य जो कोशिकाएँ होती हैं, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लाइक फैक्टर 3 या ऑस्ट्राडायोल हार्मोन मुख्य रूप से लीडिंग सेल से स्रवित किए जाते हैं, तथा सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रवित करते हैं। तो लीडिंग सेल और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उसके अतिरिक्त टेस्टिस में इनहिबिन बी हार्मोन भी स्रवित किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टेस्टिस से स्रवित होने वाले हार्मोन जो मुख्य हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, फिर इनहिबिन बी एंटी मुलेरियन हार्मोन और ऑस्ट्राडायोल या इंसुलिन लाइक फैक्टर 3 होता है। अब ये हार्मोन्स जो हैं इनके क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जो सबसे आवश्यक हार्मोन होता है जो कि फीटस अर्थात भ्रूणीय अवस्था में ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अर्थात नर जनन अंग जो होते हैं उनके निर्माण में, उनके विकास में यह बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त नर में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर अर्थात दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी होना, और जब प्यूबर्टी यानी कि मैच्योरिटी अवस्था जो आती है, वयस्क अवस्था, उस समय जो भी परिवर्तन आते हैं देह में उनके लिए यह उत्तरदायी होता है, तथा इन सभी लक्षणों को अर्थात जो भी ऊपर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आपको बताए हैं उनको लाइफ टाइम या थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रखने का कार्य भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही होता है, तथा वयस्क अवस्था प्राप्त करने के पश्चात टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के साथ साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के साथ साथ स्पर्म निर्माण को भी उद्दीपित करता है या उसके लिए भी स्टिम्युलस के रूप में कार्य करता है। अतः टेस्टोस्टेरोन को अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से
व्यस्क अवस्था को प्राप्त करने व उसके पश्चात लाइफ टाइम तक उन लक्षणों को बनाए रखने में सहायक होता है, जैसे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन अर्थात नर जनन अंग और जो सहायक अंग हैं उनको उनका नियमित विकास या उनका विकास होना, दाढ़ी मूछ का रहना, आवाज़ का भारीपन, वृद्धि जो हाइट है या लंबाई में वृद्धि करना, मसल मास जो मांसपेशियां हैं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं उनको बनाए रखना, और साथ ही साथ एडम्स एप्पल जो होती है ये हायोइड बोन होती है जो कि मेल होते हैं उनके गले में उपस्थित होती है और एक प्रोमिनेंट एक मुख्य लक्षण होता है जिसे सामान्यतः एडम्स एप्पल को मेल में ब्यूटी बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। वास्तविक रूप से एडम्स एप्पल हायोइड बोन होती है जिसे टंग बोन भी कहते हैं, तो उसके विकास के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अतः जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह सिर्फ वयस्क अवस्था को प्राप्त करना ही नहीं उसको हमेशा बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है, तथा वयस्क अवस्था धारण करने के पश्चात जो सेक्सुअल अर्ज होती है या लैंगिक उत्तेजना जो होती है उसके लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्म प्रोडक्शन और बोन डेंसिटी जो अस्थि घनत्व होता है या जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं उनके लिए भी टेस्टोस्टेरोन उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन न केवल सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं अपितु जो कि नर में जितनी भी लैंगिक लक्षण साथ ही साथ जितना जनन तंत्र से संबंधित या जनन अंगों के विकास से संबंधित के साथ साथ उनमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके लिए भी उत्तरदायी होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है या निर्माण या उत्पादन किस प्रकार होता है, तो जैसा कि हमने प्रारंभ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ा था कि जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस या मास्टर ग्लैंड जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं के द्वारा अन्य सभी एंडोक्राइन सिक्रीशंस को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का जो नियंत्रण है या प्रोडक्शन है वो नेगेटिव फीडबैक या नकारात्मक फीडबैक के द्वारा होता है। जब हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स जाते हैं जो कि GnRH गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इस GnRH के परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स को और ल्यूटिनाइजिंग सेल्स लिडिग सेल्स को क्रमशः टेस्टोस्टेरोन व इनहिबिन एस्ट्राडायोल इत्यादि हार्मोन के स्रावण के लिए स्टिमुलेट करती है, उद्दीपित करती है। पर अगर इन हार्मोन्स के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत अधिक स्रावित हो जाती है तो यह अधिक मात्रा जाकर हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक देती है, अर्थात इस हार्मोन को जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या स्टिमुलेटर्स हैं FSH और LH उनके उत्पादन को रोकने के लिए सिग्नल देती हैं हाइपोथैलेमस को, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक होता है, अर्थात हार्मोन की बढ़ी हुई मात्रा अपनी जो स्टिमुलेटर्स हैं उनके उत्पादन को कम करने के लिए फीडबैक देती है या इसे नकारात्मक पुनर्भरण नियंत्रण कहते हैं। तो इस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है या एक निश्चित मात्रा का स्रवण होता है। अब जैसे कि हम अन्य सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ चुके हैं कि हॉर्मोन्स की एक निश्चित मात्रा देह में आवश्यक होती है, उससे अधिक या कम दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं वो मेलफंक्शनिंग के उसमें आती हैं, डिसऑर्डर्स के रूप में आती हैं, विकार के रूप में आती हैं। तो यदि अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो आवश्यकता से कम मात्रा में स्रावित होता है तो इसे
इस अवस्था को हाइपोगोनेडिज्म, हाइपो का अर्थ होता है कम और गोनेडिज्म जनन अंगों से या जनन जो व्यवहार है उससे संबंधित है। तो अगर टेस्टिक्यूलर डिसऑर्डर्स हैं किसी भी प्रकार से, टेस्टिस जो है निश्चित या नियमित रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्रावण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं कि लिबिडो या जिसे हम कहेंगे सेक्स ड्राइव या लैंगिक उत्तेजना में कमी आ जाती है, मसल मास में कमी आ जाती है, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है और जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आ जाती है जिसे रिड्यूस्ड फर्टिलिटी कहते हैं, अर्थात स्पर्म संख्या में कमी आ जाती है, बॉडी हेयर में कमी हो जाती है। तो इस आधार पर जो हाइपोगोनेडिज्म है ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी जो डिसऑर्डर होता है या हाइपोगोनेडिज्म वो होता है कि टेस्टिस जो हैं उनमें किसी भी प्रकार का विकार आ जाना, डिफेक्ट आ जाना, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाना या इंजरी हो जाना या कोई सर्जरी है उसके कारण उनमें कोई भी विकृति आ जाना। और जो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म होता है वह होता है कि जो स्टिम्युलेटर्स हैं अर्थात फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है अथवा गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजर्स या स्टिम्युलेटर हार्मोन्स के में किसी भी प्रकार की अनियमितता से अगर टेस्टोस्टेरोन कम स्रवित हो रहा है तो इसे हम सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। तो हाइपोगोनेडिज्म के द्वारा जो मुख्य विकार थे उनके अतिरिक्त जो अन्य विकार होते हैं, एजिंग अर्थात जो मेल हैं वो बहुत जल्दी वृद्धावस्था को धारण करने लग जाते हैं और जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे उनका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हार्मोनल थेरेपी, अर्थात जिस हार्मोन की कमी है उनका पुनर्भरण करना, उनको देह को सप्लाई करना। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस कारण से हाइपोगोनेडिज्म अवस्था हो सकती है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो जाना, किसी भी प्रकार की अगर सर्जरी हुई है या कोई इंजरी हुई है टेस्टिस में या एक्सेसिव ऑफ एक्सरे या रेडिएशन का प्रभाव या अगर कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये सभी भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल को कम कर देते हैं। अतः जब भी हार्मोनल लेवल शरीर में कम होता है तो उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है हार्मोन थेरेपी। तो इस प्रकार से ये टेस्टिस के मुख्य जो हार्मोनल सिक्रीशन है और उनके क्या क्या फंक्शन है स्लाइड में आपको दिखाए गए हैं। आप नेगेटिव फीडबैक जो डायग्राम है उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और फंक्शंस भी नोट्स को कॉपी डाउन कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।